सो हे गाइस, डीजे हियर। तो आज हम एक नई गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर 2। तो जल्दी से, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। इजी में हम बहुत खेलेंगे ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों के साथ। तो हम अब स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने अपनी गेम स्टार्ट कर दी है, बस जल्दी से हमारी गेम स्टार्ट हो जाए, फिर तो हम भागे भागे एस्केप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पे हमारा डे वन भी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से अभी देख लेते हैं हम कहाँ पे हैं। तो अभी हम एक रूम में, जल्दी से ना इस रूम से बाहर चलते हैं और यहाँ पे ना थोड़ा शोर कर देते हैं ताकि ग्रैनी और ग्रैंडपा यहाँ भागे भागे आ जाए। तो यहाँ पे तो बहुत शोर हो चुका है, तो ग्रैनी ग्रैंडपा यहीं आते होंगे। तो मैं ना यहाँ से चल लेता हूँ सीधा, नहीं तो वो पकड़ के मेरे को मार देंगे। यहाँ पे ग्रैंडपा तो आ चुका है, बस ग्रैनी का भी हमें वेट करना है। यार यहाँ ग्रैनी भी आ चुके हैं, अब हम जल्दी से ऊपर चल के स्टन गन ढूंढते हैं ताकि इन दोनों को ना मार सकें। तो अभी यहाँ ओवन में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे स्टन गन है गाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम स्टन गन को उठा लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा शोर कर देते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ पे आए, और जब ग्रैंडपा यहाँ आएगा तो हम उसे वैसे ही मार देंगे। तो बस जल्दी से ग्रैनी आ जाए, यहाँ थोड़ा और शोर कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे ग्रैनी तो आ चुकी है, बस ग्रैंडपा तो वैसे ही आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्त बंदा है एकदम। तो यहाँ से हम अपनी एमओ उठा लेते हैं और ग्रैनी को उछाल दिया है हमने, और यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ चुका है, और जल्दी से हम अपनी एमओ ले लेते हैं। अरे एमओ ले लो तो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अरे यार ये दोनों ऐसे पड़ जाते हैं ना भुक्कड़ की तरह, जैसे यहाँ खाना मिल रहा हो। तुम ग्रैनी को नीचे गिर देते हैं। अरे यार ग्रैंडपा भी आ गया साथ के साथ, कोई बात नहीं। अभी हम ना यहाँ से सिक्योरिटी की ले लेते हैं, ग्रैंडपा के गले में से पता नहीं क्यों टांग के घूमता है पागल। तो अभी हम यहाँ से अपनी स्टन गन को रिलोड कर लेंगे। तो अरे बुढ़े स्टन गन लेने देना, क्या दिक्कत है तेरे को। तो यहाँ से हमने अपनी स्टन गन एमो भी ले लिया, इसे यहीं से पे ड्रॉप करके हम चलते हैं सिक्योरिटी रूम में, वहाँ से भी हमें थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस ड्रॉअर में क्या है, अरे यार इस ड्रॉअर में तो बोट की है, तो हमारे किसी काम की नहीं है ये। अभी ना यहाँ से हम अपनी स्टन गन ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ पे क्रोबार है, तो ना स्टन गन को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो गाइस यहाँ पे हमें डोर हैंडल मिल चुका है, हमारे डोर एस्केप की दूसरी चीज़। तो जल्दी से ना हम यहाँ से ऊपर चल के भी देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे है हैंड व्हील, तो जल्दी से ना हमें हमारे एस्केप की दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ भी मिल चुकी है। तो हम जल्दी से चल के इसे भी बेड पर ड्रॉप कर देते हैं और अपनी स्टन गन उठा लेते हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा को मार देते हैं एक बार फिर से, ताकि हमें थोड़ा सा वेट टाइम मिल जाए आराम से, 1.5 मिनट तो मिल ही जाएगा। तो गाइस ग्रैनी भी बहुत देर से नहीं आ रही, बस वो जल्दी से आ जाए ताकि वो हमें 1.5 मिनट दे दे। तो यार ग्रैनी अभी तक तो बिल्कुल नहीं आई है, बस थोड़ा सा और वेट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा शोर कर दिया, तो गाइस अभी तक ग्रैनी नहीं आई। यार ग्रैनी कब आएगी। ओ गाइस ग्रैनी आ चुके हैं, अब हम इसे जल्दी से मार देते हैं। अरे यार अब क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, शूट। और अब बस हमें ग्रैंडपा का वेट करना है बैठ के, 30 सेकंड में तो ग्रैंडपा आ ही जाएगा। तो गाइस जल्दी से ना हम देख लेते हैं ग्रैंडपा कितनी देर में आने वाला है।
और ग्रैनी ना एकदम सठियाई हुई बुढ़िया है, तो इससे ना पंगे मत लेना। तो गाइस ग्रैंडपा भी आ चुके हैं, अब हमने इसे स्टन कर दिया है। स्टन गन को यहीं ड्रॉप करके ना हम इस वाली ड्रॉअर में चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ग्लास फ्यूज जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो अब हम जल्दी से ना क्रोबार को उठा लेते हैं और चल के ना इस डब्बे वाले रूम में, ग्रैनी के साइड वाले रूम में चल के चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या मिलेगा हमें। तो गाइस यहाँ पे गैसोलीन है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और डोर के ऊपर जो प्लैंक्स लगे ना इन्हें भी हटा देते हैं साथ के साथ, और ना नीचे भी चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो ये आ गया वो वाला डब्बा, और यहाँ पे कटिंग प्लायर्स, ये भी हमारे बहुत काम का है डोर एस्केप में। तो जल्दी से अब हम ऊपर चल के एक रेड वाली तार को काट देते हैं जल्दी से। तो अब ये रही वो लाल तार, तो अब हम इसे काट देते हैं। और दरवाजे के आगे वाली बिजली गायब हो चुकी है अब, तो अब हम कटिंग प्लायर्स को लेके ऊपर चलते हैं, यहीं पे इसे ड्रॉप कर देते हैं और अब जाके अपनी स्टन गन को ले आते हैं। तो गाइज ये हाँ रही मेरी स्टन गन, तो अब जल्दी से ऊपर चल के ना वो वाले रूम को भी ओपन कर देते हैं। यहाँ से ना गेट भी क्लोज कर देते हैं हम लोग जल्दी से ना चल के, अब उस वाले बटन पे क्लिक कर शूट कर देते हैं ताकि ये वाला रूम खुल जाए। तो एकदम ना कोने में आ जाओ, बस शूट कर दो। तो अभी हम जाके अपनी ना एमओ भी ले लेते हैं, बाद में फिर झंझट नहीं होगा एमओ लेने का। तो अब हम जाके कटिंग प्लायर्स को उठा के ले आते हैं। मैंने कटिंग प्लायर ले लिया और अब चल के ना इस अलमारी की ना चेन काट देते हैं। अरे कट जा। तो यहाँ से अब हमने दोनों चेन काट दिए हैं और गाइज यहाँ पे हमें सेफ की मिल गई, किसी काम की भी नहीं लग रही मेरे को, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेंगे इसमें क्या होगा सेफ में। तो यहाँ पे ना नीचे गिरा देते हैं यहाँ से। अरे ये क्यों नहीं गिरा। तो यहाँ पे अब ये गिर चुका है और अब हम यहाँ से सेफ की को भी ड्रॉप कर देते हैं। और अभी यहाँ पे ना ग्रैनी आएगी, तो मैं ना स्टन गन भी लेके नीचे चलता हूँ अब। तो गाइस ये रही मेरी स्टन गन, अब जल्दी से नीचे चल के ना ग्रैनी को टपका देते हैं। तो यहाँ से मैंने गेट खोल दिया है और ग्रैनी ने मेरे को देख लिया, पर उससे पहले ही मैं उसे शूट कर दूँगा। तो गाइस अब हम ग्रैंडपा का वेट करते हैं कि वो कितनी देर में आएगा। तो गाइस ग्रैंडपा तो बिल्कुल भी नहीं आया अभी तक। मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ग्रैंडपा की वजह से, बहुत बोरिंग भी है। 30 सेकंड होने को हो रहे हैं पर वो अभी तक नहीं आया। 2000 years later. यार कितनी देर लगेगी ग्रैंडपा को, कहीं वो सो तो नहीं रहा पागल बुढ़ा। तो गाइस हम खुद ही चल के देख लेते हैं ग्रैंडपा कहाँ पे घूम रहा है पागलों की तरह। तो गाइस यहीं पे घूम रहा होगा ग्रैंडपा, देख लेना वो सो ही रहा होगा। तो गाइस मैं एकदम सही था, ग्रैंडपा सो रहा है और अब इस पर हम शूट कर देते हैं जैसे नचा दिया हमने। अभी ना यहाँ पे बेबी स्पाइडर के यहाँ पे भी चेक कर लेंगे क्या मिलेगा हमें। तो अभी ना हम जल्दी से चल के रेंच ढूंढ लेते हैं, ग्रैनी के रूम में चल के देखते हैं वहाँ कुछ काम का मिल जाएगा तो, नहीं तो छोड़ो। तो गाइस यहाँ पे हमें रेंच भी मिल चुका है और जल्दी से यहाँ से नीचे कूदते हैं और यहाँ से ये गेट खोला जाके ना हम यहाँ का पानी सुखा देंगे एकदम पूरा का पूरा। अभी हमें बस पानी सुखाना है ताकि हम बेबी स्पाइडर के वहाँ जा पाए। तो पता नहीं इसे बैठता तब भी तेज़ नहीं चलता। तो अब हम अपनी स्टन गन लेके ना बेबी स्पाइडर को मार देते हैं। तो यहाँ पे भगा भगा आएगा बेबी स्पाइडर,
तो हम इस पर शूट कर देते हैं और अपनी एमो ले लेते हैं। स्टन गन को यहीं ड्रॉप करके देखते हैं अंदर क्या मिला है। हट यार, यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर की है। तो हम अपनी स्टन गन उठा लेते हैं, ये वाला गेट ओपन करके। अब हम इस शेल्फ को खिसका देंगे, यहीं पे स्टन गन ड्रॉप करके ना पॉट ले आते हैं। उससे दोनों आ जाते हैं, ग्रैनी और ग्रैंडपा एक साथ, और हम वैसे ही बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली हमें, बस अब वेट करना है। तो यार ग्रैनी तो आ चुकी है, मैं इसे मार देता हूँ। और ग्रैंडपा भी साइड में खड़ा है। तो अरे यार, मेरी तो एमो वहाँ गिर गई। ग्रैंडपा चला जाए, उसके बाद मैं अपनी एमो जाके ले लूँगा। तो गाइस, बस ग्रैंडपा चला गया हो। तो गाइस, ग्रैंडपा जा चुका है, तो हम यहाँ से अपनी एमो ले लेते हैं। जल्दी से हम अपनी एमो लेते हैं और ग्रैंडपा को ढूंढ के मार देंगे। जल्दी ऊपर चलते हैं और ये रहा ग्रैंडपा, इसके पीठ पीछे वार करते हैं। और अब हमने इसे स्टन कर दिया है, और ये 2 मिनट तक कैंपर हमें परेशान नहीं करने वाला। तो यहीं पे हम अपनी स्टन गन को ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ से सेफ्टी उठाते हैं और इसे यहाँ से नीचे गिर देते हैं, ताकि बाद में हमें ईजी हो सारा सामान एक साथ उठाने में। तो यहाँ से अब हम हैंड व्हील को भी ड्रॉप कर देते हैं। तो हैंड व्हील भी हमने ड्रॉप कर दिया है। तो अब जाके हम डोर हैंडल ले लेते हैं और इसे ना सीधा लगा के ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने डोर हैंडल भी हटा ली, लगा दिया है। तो यहाँ पे इस वाले वार्डरोब में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर मैनुअल है, हमारे किसी काम के नहीं। तो चल के एक बार बाथरूम में भी चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं। तो अब हम जल्दी से चलते हैं और जाके ना हैंड व्हील को भी लगा देते हैं साथ के साथ, नहीं तो वो दोनों जिंदा हो जाएंगे ना, पकड़ के मारेंगे मेरे को। तो जल्दी से ना नीचे चलते हैं और हैंड व्हील को भी लगा आते हैं। और बस हमें पैडलॉक की ढूँढनी है, जो मेरे ख्याल से तो सेफ में ही मिलने वाली है हमें। तो यहाँ पे हमें सेफ की मिल चुकी, ये उठा ली मैंने। और यहाँ से हम सेफ को ओपन कर देते हैं। इतनी खुशी तो गाइस, इतना ढूंढने के बाद हमें पैडलॉक की भी मिल गई और यहाँ पे हमारा एस्केप हो चुका है। अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके बताना मेरे को अगली कौन सा गेम खेलना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा हमें ढूंढ रहे हैं, पर मैं तो भाग चुका हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।